दोस्तों के साथ हमारे बड़े वाले बेटे ना घूमने गए थे दिल्ली। अब दिल्ली में खाने के लिए खोजने लगे कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिल जाए। उनको मिला रेस्टोरेंट संजीव कपूर का। संजीव कपूर का रेस्टोरेंट, संजीव कपूर के भाई कौन नहीं जानता है, बच्चे वजह संजीव कपूर एक हैसियत है, नामी है वो। तो उनका रेस्टोरेंट में गए तो हमारे बेटों को पसंद आया भिंडी का कुछ रेसिपी। तो बोला मम्मी जल्दी से जल्दी भिंडी का कुछ रेसिपी बनाओ, से बहुत ही टेस्टी बना है इनका रेस्टोरेंट में। संजीव कपूर तो भाई अपने आप में है, उनका मतलब क्या है, उनके तुल्य क्या है, वो अपने आप में एक हस्ती है। और उनका रेस्टोरेंट में खाना खाना सौभाग्य से कम नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे इसीलिए लाए हैं भिंडी। अब भिंडी से क्या बनाने वाले हैं हम, चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मीना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर भिंडी को हम 500 ग्राम लिए थे, एकदम सॉफ्ट वाली भिंडी। देखिए हम एक भिंडी के रेसिपी दिए ना, भिंडी के दो तीन रेसिपी दिए हैं, तो ये जो है ना इसको आपको देखना होगा ताकि ये अच्छे से टूट जाए, तभी हमारी भिंडी सॉफ्ट रहेंगे। देखिए एकदम ताजे ताजे, एकदम तुरंत का तुरा हुआ भिंडी है, मतलब मार्केट से ही लाए लेकिन वो तोड़ करके बेच रहे थे। तो इसी तरह से कुछ भिंडी होना चाहिए सभी का। हम देखिए मुंडी तोड़ करके दिखा रहे हैं, कितना सॉफ्ट है, यही देखा जाता है। अगर ये थोड़ा टाइट रहेंगे तो ये नहीं टूटने वाले हैं। यहाँ पे भिंडी को आपको कैसे कट करना है, जितना हो सके उतना पतला कट कीजिएगा तो बेहतर है कि इस तरह से हाथ ले लें। ये तो आप चॉपिंग से चॉप भी कर सकते हैं, मतलब चॉपर एकदम, हमको हलवा नहीं बनाना है, कुछ इस तरह से ग्रेटर है ना, उससे हम ग्रेट कर सकते हैं पतला वाला सा। तो देखिए हम फिर से कट करके आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से हमको कट करना है, एकदम पतली पतली, जितना पतला हो सके। कोई जरूरी नहीं है कि इनका हम बीज निकालें, निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकला तो भी नहीं तो भी ठीक है। इस तरह से चाहें तो आप बीज भी निकाल सकते हैं, हम बीज को यहाँ नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम भिंडी को कट कर लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, अगर वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो में कमेंट करें। वीडियो को, ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूले आप लोग, वीडियो को प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, क्योंकि ये स्पेशल आज भिंडी कुरकुरी भिंडी बना रहे हैं हम। तो ये भिंडी का रेसिपी तो एकदम बनता है ना, आप लोगों का शेयर करना। तो इनका ये हार्ड वाले जो होते हैं ना मुंडी, इनको हम हटाएंगे, फिर से हम भिंडी को यहाँ पे तिरछा काटेंगे। तो पहला वाला भाग आपका थोड़ा मोटा कटेगा, फिर से हम पतले पतले, ये देखिए कितना पतले पतले कट कर रहे हैं, इसी तरह से आपको इसी तरह से पतले पतले कट करना है। तो हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, देखिए समझिए। और प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को भर भर के लाइक करें फ्रेंड्स। और चलिए भिंडी को हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। सारे भिंडी को यहाँ पे हम कट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं भाई बेटा का पसंद है और संजीव कपूर का रेस्टोरेंट का ये रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको भिंडी जितना पतला हो सके उस तरह से आप काट सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से सेम उसी आकार में हम कट किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा मैरिनेट करने के लिए आधा नींबू लिए हैं, इनमें से एक चम्मच लेमन जूस निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप हाथ से छान लिए, इसे तो हम बीज निकाल लिए इनका, पर हो तो शायद आ जाएंगे। तो इस तरह से हम फैला देंगे सारे नींबू का जूस, इस तरह से फैलाएंगे इनमें। थोड़ा सा ऊपर से हम लेंगे तेल, कुछ इस तरह से, मतलब आधा छोटा चम्मच के करीब तेल लेंगे। और थोड़ी सी हम लेंगे हल्दी पाउडर, यानी कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब बोलिएगा आप लोग, हर चीज आधा छोटा चम्मच बोलती है मैम, तो हाँ इसलिए कि हमारे यहाँ जितना सामग्री रहते हैं वो हिसाब से हम आप लोगों को बताते हैं, आप जितना लीजिएगा वो हिसाब से लीजिएगा। आधा किलो भिंडी तो हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिए। तो पहले सबसे पहले हम इनको, और जब भी भिंडी का मतलब बनाए इनका रेसिपी तो आप बड़े बर्तन में लें, भिंडी कुरकुरी बनाने के लिए अच्छे से ले बड़ा सा बर्तन, ताकि हाथ ज्यादा ना टच करना पड़े। तो इनको हम अच्छे से लिए, अब हम इनमें कुछ मसाला लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम चुटकी भर हींग, ताकि कोई एसिडिटी वगैरह ना हो। और इनमें हम कुछ मसाला बोले हैं तो कुछ मसाला लेंगे। तो चुटकी भर ही हम लेंगे काली मिर्च पाउडर, आपको पसंद हो तो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। अब हम लेंगे यहाँ पे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, सारा मेजरमेंट आधा छोटा चम्मच से, मतलब स्पाइसी का है तो आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और आधा छोटा चम्मच ही हम लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधा छोटा चम्मच लेंगे हम घर का कूटा हुआ ये चिली फ्लेक्स, इनको कह सकते हैं लाल मिर्ची पाउडर। तो मसाला ले लिए हैं, अब कुछ और सामग्री लेंगे इनमें। अब हमें लेंगे यहाँ पे आधा कप चावल का आटा, राइस फ्लोर। तो आपके घर में अगर राइस फ्लोर नहीं है तो राइस फ्लोर के कमेंट में कीजिएगा, तो हम राइस फ्लोर भी बना करके दिखाएंगे, नहीं तो चावल आपके घर में है तो पीस करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम छिड़केंगे चावल का आटा, जितना हो पहले एक थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, फिर थोड़ा सा चम्मच के सहारे इनको अच्छे से मिलाइएगा।
ज्यादा नहीं मिलाना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लगातार इस तरह से फेंटते जाइएगा। तो हम देख लेंगे इनका कोटिंग की कितना है, उस हिसाब से लेंगे। तो थोड़ा सा लग रहा है, कम रहा है हमें चावल के आटा, तो यहाँ पे हम चावल का आटा थोड़ा सा हम और ले लेंगे। और इसी में लेंगे हम एक और सीक्रेट टिप्स। सीक्रेट टिप्स में क्या है, यहाँ पे लेंगे हम 4 चम्मच बेसन। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैम बड़ा वाला चम्मच ली है, जो रेगुलर यूज में होते हैं ना, देखिए वही चम्मच है। इसी से हम 4 चम्मच बेसन ले लेंगे, इनसे कोटिंग भी होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। तो 1 चम्मच और हम लेंगे और सबको हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं। सबको अच्छे से मिला लीजिएगा, तब देखिएगा। तो आधा कप चावल का आटा लिए थे, तो करीब हमारा 2 या 3 चम्मच बच गए हैं। इनमें पानी नहीं लेना है, भूल से भी पानी मत लीजिएगा। और अब हम लेंगे इनमें स्वाद अनुसार नमक, तो अपने हिसाब से जितना खाते हो हिसाब से नमक लीजिएगा। सबको अच्छे से मिला ले। अब बारी है हाथ का, तो हाथ से हम इस तरह से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आपका 1 लाइक मेरा मनोबल बहुत बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो हमारे प्रिय जितना भी हमारे कमेंटर है, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से करीब 1 से 2 मिनट आपको मिलाना है, इनमें पानी का कहीं से कोई जरूरत नहीं, पानी भूल से मत लगाइएगा। तो इसी तरह से देखिए हम बातें करते करते हाथ से मिलाते जा रहे हैं, इनको इस तरह से मिलाना है आपको। चलिए हम अच्छे से सबको मिला लेते हैं, इनमें से खुद ही इनका मॉइस्चर जो निकलेंगे ना, उसी से ये लिपट जाएंगे अपने आप में, यानी कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनमें। तो देखिए अच्छे से 2 मिनट इनको हम मिलाए हैं, 2 मिनट में कितना बढ़िया से सारे मसाला, सारा बेसन, चावल का आटा अच्छे से लिपट गए हैं इनमें। तो अब आगे देखिए क्या करना है। यहाँ पर तेल को हम गैस पे चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, कढ़ाई में तेल ले लिए हैं, गैस पे तेल नहीं चढ़ाए हैं फ्रेंड्स। कढ़ाई में तेल लेकर के गैस पे चढ़ा दिए, ताकि अच्छे से ये हॉट गर्म हो जाए। ये तक तेल उधर गर्म हो रहे हैं, तो कुछ टिप्स बताते हैं अगर आपको पसंद ना हो तब। अब हम सारे मसाले, बेसन, चावल का आटा मिला लिए हैं, तो आपको क्या करना है कि इस तरह से करना है आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरह से करना है। अब देखिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे सारे बीज देखिए कितना आहिस्ता से दम निकल गए, देख रहे हैं। तो इनको नहीं पसंद है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई मेहनत नहीं लगेंगे, आराम से निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा हाथ को इस तरह से कर देना है, और पानी नहीं लेना है, भूल से भी पानी नहीं लेना है। और इस तरह से पटक दीजिए इनको, ना कि एक दो पटकारा लगाए। देखिए इनमें सारा बीज आराम से आ गए हैं, देख रहे हैं, देखिए एकदम करीब से देखिए सारा बीज आ गए हैं। तो हमारा बीज भी छट गए है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तेल यहाँ पे हम इसलिए बोले कि एकदम हॉट होना चाहिए, क्योंकि भिंडी हमारी कच्ची है, हरी है, तो तेल को जाते ही तेल में ठंडा हो जाए, मतलब तेल को ठंडा कर देगी। तो इसीलिए तेल यहाँ पे शुरुआत में एकदम गर्म होना चाहिए। तो तेल यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गए, आपको एक भिंडी डाल करके हम दिखा रहे हैं, छोटा सा भिंडी का टुकड़ा, देखिए कितना गर्म है। तो इसी तरह से तेल हमें चाहिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह से करके भिंडी को तेल में ले लेना है, इस तरह से जितना आ जाए उतने एकदम, मतलब डालना नहीं है, फूस के नहीं डालना है, बस इतना ही लेंगे हम। फिर से हम देखेंगे, थोड़ा देर छोड़ देते हैं, जब तक इनका झाग नहीं जाता है हम हाई फ्लेम ही रखेंगे, और हल्के हाथ से इनको चलाएंगे एकदम। देखिए बढ़िया से झाग जब खत्म होंगे, गैस को थोड़ा सा हम मीडियम करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे झाग इनका खत्म हो गया है। झाग खत्म होने का मतलब कि हमारा भिंडी लगभग तैयार हो गए हैं, देख रहे हैं कितना बढ़िया इनका कलर आया है। तो देखिए, तो अभी हम क्या करेंगे कि इनको तेल से बाहर निकालना है, उससे पहले हम गैस को मीडियम कर देंगे। तो बस हम तुरंत के तुरंत निकालेंगे तेल से बाहर। ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं, सबको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आवाज सुनिए, एक कुरकुरी भिंडी, बाकी का जो दोबारा बचे हैं उनको भी हम इसी तरह से सेम फ्राई कर लेंगे। तो हाथ के ऊपर रखते हुए हम तेल में डालेंगे इनको। यहाँ पे सेकेंड बैच भी हमारा भिंडी, मतलब कुरकुरी भिंडी फ्राई हो गए हैं, सबको हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितना कलर देखने में मस्त लग रहा है, जितना देखने में मस्त लग रहा है ना, उतना ही खाने में भी मस्त लगेगा। यहाँ पे कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार है, पता कैसे चलेगा कि ये कुरकुरी है कि ये भुजिया है। तो देखिए, आवाज सुन रहे हैं ना, और देखिए यहाँ पे देखिए एकदम मसल मसल करके एकदम कुरकुरी बने हैं, इसी तरह से नाम नहीं पड़ा इनका, कुरकुरी भिंडी। तो अब क्या करना है भाई, देर ना करते हुए चलिए सर्व करते हैं। तो बस फटाफट से इनको हम सर्व करेंगे। देखिए क्या आवाज है, आवाज मिल रहा है ना आप लोग को, देखिए कितना कुरकुरी है ये।
तो आप लोग भिंडी पर काफी अपना प्यार दुलार दिए हैं, उसी तरह से आप लोग इस भिंडी को भी जबरदस्त शेयर कीजिए और प्यार दुलार दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया हम कुरकुरी भिंडी बना करके एकदम, आप जाइएगा रेस्टोरेंट में, संजीव कपूर के रेस्टोरेंट में खाने हैं तो सोचिए कितना लगने वाला है। इस तरह से अगर घर में बनाइएगा तो सोचिए पूरा फैमिली हम लोग मिलके एंजॉय करेंगे, खाएंगे, एकदम सेम बनाना है। तो देर किस बात का, आप लोग भी बनाइए, खाइए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर रहे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए एक मिनट, थैंक्स फॉर वॉचिंग से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा चाट मसाला ले लीजिएगा, इस तरह से छिड़किएगा और चाय के साथ इन्हें चुस्की लेकर के इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।